चलो 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 भाई ठीक है, लेक्चर वन और टू का रिवाइज हो गया है। जिन बच्चों को भाई लेक्चर वन टू में यहाँ पे बहुत डायरेक्ट लगा हो तो लेक्चर वन टू देख, चार चार पांच पांच अच्छे अच्छे तगड़े तगड़े वाले सम करवाए दोस्त, चल आ जा। लेक्चर थ्री स्टार्ट करते हैं। एक्स आई आपको दिया गया है, एफ आई आपको दिया गया है, लेकिन अब की बार डायरेक्ट मेथड से आपको नहीं करना है, कुछ अलग मेथड में यूज कर रहा हूँ। देखिए शांति से, पहला सवाल है, शायद ना भी समझ में आए, थोड़ा समझ में आए, चिंता नहीं कीजिएगा, मैं हूं ना। आपको कुछ भी करो मिड वैल्यू तो फाइंड करना ही पड़ेगा। एक से तीन के बीच में कौन, तीन से पांच के बीच में कौन, छः आठ दस और बारह। आप ऐसा डायरेक्ट छोटी छोटी नंबर से डिजिट से तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, और मान लो बड़े डिजिट्स हो तो आपको मैंने सॉल्यूशन बताया हुआ है कैसे, पहले का और दूसरे का प्लस करो, वन प्लस थ्री फोर, डिवाइड बाई टू कर दो, फोर डिवाइड बाई टू टू, आंसर आ गया। ठीक है चलो आ जाओ। अब दोस्तों थोड़ा सा मेथड चेंज हो रहा है तो आपको ऑब्वियसली कुछ तकलीफें आएंगी। चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे मुझे डी आई फाइंड करना है, है सर शांति रख, इसीलिए तो मैं आया हूँ। डी आई फाइंड करना है जिसका मतलब होता है एक्स आई माइनस ए। आराम से पहला सम है, डी आई फाइंड करना है। डी आई का मतलब क्या होता है, हम डी आई कहाँ से लाएंगे, एक्स आई माइनस ए से लाएंगे। एक्स आई कहाँ है सर, तो ये सब क्या है, एक्स आई ही है। तो अब ए का मतलब क्या होता है, तो ध्यान से सुनिएगा, मैं इस एक्स आई में से किसी एक को ए ले लेता हूँ, किसी भी एक को ए ले लेता हूँ, तुम्हें जो ठीक लगे, किसी भी को, अभी भी बोल रहा हूँ, मगअप नहीं करना, इसको ले, इसको, इसको, किसी को भी। ज़्यादातर क्या करते हैं, इजीनेस के लिए बीचों बीच का सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। चलो आ जाओ, अब बताइए दोस्तों इस लाइन का एक्स आई कौन है, टू है, हाँ या ना बोल दे, हाँ या ना बोल दे। इस लाइन का एक्स आई कौन है, टू, टू, तो ये टू माइनस, ए कौन है, आठ, मैंने ए आठ एज्यूम किया ना, तो फाइनली तेरा डी आई का आंसर कितना आया, माइनस छ। तेरा डी आई का आंसर कितना आया, माइनस छ, बोल हाँ या ना, हाँ या ना बोल दे, ठीक है। चलो इस लाइन का एक्स आई कौन है, फोर है, मुझे देखो एक्स आई माइनस ए फाइंड करना है, ए कौन है, आठ है, तो कितना आंसर आएगा, माइनस फोर, माइनस एट, माइनस फोर। इस लाइन का एक्स आई कौन है, छ, सिक्स, माइनस ए, ए कौन है, आठ, सिक्स माइनस एट, माइनस टू। इस लाइन का एक्स आई कौन है, खुद आठ, इस लाइन का एक्स आई कौन, खुद आठ, और ए भी कौन, आठ, तो एक्स आई भी एट माइनस ए भी एट, आंसर क्या आएगा, जीरो। इस लाइन का एक्स आई कौन है, दस माइनस ए कौन, आठ, दस माइनस आठ, दो। इस लाइन का एक्स आई कौन है, 12 माइनस ए कौन है, 8, आंसर क्या आएगा, 4। तेरा काम हो गया दोस्त, बोलो ठीक है, हाँ या ना बोल दे, हाँ या ना बोल दे। तो अब दोस्तों कुछ करना नहीं है, ओह सर मार्क्स ऐसे मिल जाएंगे, अब आपको करना है एफ आई इंटू डी आई, अब आपको करना है एफ आई इंटू डी आई। दोस्तों एक स्टेप बढ़ गया, डायरेक्ट मेथड नहीं है, अब अलग वाला मेथड है, इसलिए ऐसे एक दो सम आप करोगे अपने आप से ट्राई कर, कोई टेंशन नहीं, चला जाओ। एफ आई इंटू डी आई, भाई एफ आई कौन, वन, डी आई कौन, माइनस सिक्स, वन इंटू माइनस सिक्स, माइनस सिक्स, एफ आई कौन, टू, डी आई कौन, माइनस फोर, कितना आया, माइनस सिक्स, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, एफ आई इंटू डी आई कर रहा हूँ, इसका एफ आई कौन, थ्री, डी आई कौन, माइनस टू, माइनस सिक्स, एफ आई कौन, जीरो, डी आई, एफ आई कौन, फोर, डी आई है जीरो, एफ आई इंटू डी आई, जीरो, एफ आई कौन, फाइव, डी आई कौन, टू, फाइव टू जा टेन, फाइव इंटू फोर, ट्वेंटी। तुम्हारा काम हो गया दोस्तों, कॉन्ग्रेचुलेशन, बोलो इतना किसको समझ में आया, हाथ ऊपर करो, डन है, डन है, डन है, ओके बेटा, आराम से। जिन बच्चों को थोड़ा लेवल अभी नहीं सेट हुआ है, दूसरे लेक्चर, अरे दूसरे सम में तो लेवल सेट हो ही जाएगा, टेंशन ले लेना, दूसरा लेक्चर बोला बच्चे अभी यूट्यूब पे पोस्ट कर देंगे, अगले लेक्चर में देखेंगे, बोले चल आ जा भाई। यहाँ पे अब मुझे फाइंड करना है सिग्मा एफ आई डी आई, एफ आई डी आई फाइंड करना है।
तो देख दोस्त, ईमानदारी से बोलना, FIDI फाइंड करना है तो ये प्लस प्लस का सम कितना हो रहा है, 20 और 10 कितना हो रहा है, 30 हो रहा है, और ऊपर ऊपर सब माइनस वाले हैं, सब सेम साइन हो तो क्या होता है, सेम साइन हो तो क्या होता है, स्टार प्लस, अच्छा प्लस, हाँ सब सेम साइन हो तो क्या होता है, प्लस होता है। माइनस 6 माइनस 8 और माइनस कितना हुआ, माइनस 20 हो गया, हाँ या ना बोल दे, हाँ या ना बोल दे, ठीक। अब देखो आंसर, 30 माइनस 20 कितना बचा, हो गया डन। चलो सिग्मा FI कहाँ से लाओगे, 1, 3, 5, 6, 10 और 20, हो गई बात, क्लियर है, क्लियर है। तो दोस्तों अब मीन का नया फॉर्मूला आएगा, मीन का नया फॉर्मूला आएगा, एक्स बार इज इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा FIDI अपॉन सिग्मा FI। चलो आराम से, मुंह नहीं बिगाड़ना है, मुंह अच्छा रखो। ए कितना, 8 प्लस सिग्मा FIDI कितना, 10, सिग्मा FI कितना, 20, ठीक है। 10 ones are 10 twos are, 8 प्लस कितना आया, 1/2, 1/2 को आप पॉइंट्स में लिखो तो जरा, 2 को 1 से डिवाइड करना, आधा है भाई, 2 के टेबल में 1 तो आएगा नहीं, तो 0 लिखूं तो 0.25 are 10, आंसर क्या आया, पॉइंट। सो 8 प्लस 0.5 कितना आएगा आंसर, 8.5 इज योर आंसर, बोलो हाँ या ना, क्लियर है। दिस इज कॉल्ड, देखो हमने कुछ एज्यूम किया था, क्या एज्यूम किया था, 8 को एज्यूम किया था, दैट इज वाई, क्यों ए ही लिया इसको, बिकॉज इट इज कॉल्ड एज्यूम्ड मीन मेथड। क्या है, एज्यूम्ड मीन मेथड। तो देखो हमने एज्यूम किया तभी हमारा काम हुआ ना, इसलिए ए इज इक्वल्स टू 8 को हमने एज्यूम किया, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज्यूम मीन मेथड। बोलिए हाउ इज दैट, क्लियर है बेटा, ये दिख रहा है बच्चों को वीडियो में यहाँ पे नीचे, ठीक है ना, ओके ओके ओके। चलिए एक बार स्क्रीन शॉट ले लीजिए बेटा और लिखिए शांति से। चलो भाई नया क्वेश्चन फटाफट, तो अच्छा एक तगड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा, उसके बाद थोड़ा टफ क्वेश्चन मैं लूंगा, ठीक है। चलो आ जाओ, 45 से 55 मिड पॉइंट क्या हुआ, मिड वैल्यू 50 हुआ, 45 से 55 के बीच में कौन, 50 ना। चलो, और यदि आपको ये मेरी लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही, मैं कोड में बात कर रहा हूँ, तो आप ये सिंपल मेथड आपका ले सकते हो, 45 55 कितना हुआ, 100/2 कितना हुआ, तो ये बात कर लो, आपको कोई इशू है तो, ठीक है। चलो आ जाओ, तो अभी देखो 55 से 65 के बीच में 60, 65 से 75 के बीच में 70, ये 80 और ये 90, बोल हाँ या ना, हाँ या ना बोल दे, क्लियर है, क्लियर। DI फाइंड करना है, उसके पहले कुछ एज्यूम कर ले, आपको क्या रहता है, बीचो बीच वाला एज्यूम करो तो आपका लाइफ सेट हो जाएगा। एज्यूम तो आप घर पे जाके आज क्वेश्चन एक बार, ये क्वेश्चन में 50 को एज्यूम करना और फिर सवाल सॉल्व करना, आपका आंसर सेम नहीं आया तो पैसा पाछा मांगना नहीं हो, चला जा। अब देखो DI फाइंड करना है, इस लाइन का XI कौन है, 50 माइनस A कौन है, A कौन है, 70, आंसर क्या है, -20, ये -10 होगा रे, ये 0 होगा, ये 10 होगा, ये 20 होगा, इजी मेथड, देख -20 तेरे को ट्राई करना, कर दे। इस लाइन का XI कौन है, 60 माइनस A कौन है, 70, देख 60 माइनस 70 माइनस 10, इस लाइन का XI भी कौन, 70, A भी कौन, 70, आ गया 0 आंसर। इस लाइन का XI कौन, 80, A कौन, 70, 80 माइनस 70 10 आ गया। इस लाइन का XI कौन, 90, A कौन, 70, 90 माइनस 70 20 हो गया। भाई ऊपर से जा रहा है, समझ में आ रहा है बेटा सबको, क्लियर हो रही है बातें, क्लियर हो रही है, चलो ठीक है। FIDI बोलो, चलो FI है 4, DI माइनस 20, 24 are 80 माइनस तो रखना पड़ेगा, 11 tens are
110, 12 इंटू 0, 0, 9 टेन जा 90, ये ना, हाँ 420 जा 80, तो 24 जा 80। अब बताइए क्या करना है, सिग्मा एफ आई डी आई देखना दोस्त, छोड़ना इतना काम तो कम हो गया मेरा, साथ साथ में लिखिए मत बेटा, पहले सवाल एक दो होते हैं वो शांति से सुनने के होते हैं, माइनस 80 प्लस 80 डायरेक्ट गुड़ गया रे, क्यों माथा गुड़ में पढ़ूं, मेरा काम इजी हो गया। अब देख 90 माइनस 110 प्लस 90, साइन अलग है तो सब्ट्रैक्शन होगा, अलग साइन पे क्या होता है माइनस करना होता है, तो 110 में से 90 गया तो 20, पर आंसर में साइन किसका होता है बिगर नंबर का, साइन किसका होता है बिगर नंबर का, साइन किसका होता है बिगर नंबर का, बिगर नंबर कौन है 110, 110 का साइन कौन है माइनस, तो आंसर में भी माइनस, बोल हाँ या ना, तो आंसर क्या आ रहा है आपका माइनस 20, और एफ आई का आंसर क्या है देख ले, 4 13 25 40 आ रहा है मेरे हिसाब से, चलो ठीक है करें आगे, एक्स बार ए टन 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 टन, ए कितना 70, सिग्मा एफ आई डी आई कितना माइनस 20, तू क्या ऐसा चाहता है मेरे से, सर ये प्लस का प्लस लिखो, यहाँ पे माइनस 20 लिखो, नीचे 40 लिखो, तो ऐसा कर भाई तू तेरी इच्छा कर, चल 22 जा 40 हो गया, तो क्या बच रहा है यहाँ पे 70 प्लस और माइनस माइनस 1/2, 1/2 का मतलब क्या होता है 0.5, 70 में से आधा गया, 69.5, बोल हाँ या ना, बोल हाँ या ना, क्लियर है नहीं, क्लियर है नहीं, बोलो डन है, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, थोड़ा लेवल हार्ड है, चलेगा हाँ या ना तो बोल दे यार, नहीं चलेगा कौन है, इससे थोड़ा लेवल टफ करे बेटा, ठीक है एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, तो स्क्रीनशॉट ले लो, ओके बस चलो वो चलिए स्टार्ट करें, चलो तगड़ा सवाल है, एज्यूम मीन मेथड का ही है, लेकिन थोड़ा सा तगड़ा परेशान करने वाला सवाल है, क्योंकि मिड पॉइंट में आपको तकलीफ पड़ने वाली है, कैसे देखिए 65 से 68, तो आप तो क्या करोगे सिंपल 65 प्लस 68 बाई 2, 133 बाई 2, तो आप तो ऐसे ही जाओगे, मुझे पता है आप छोटे बच्चे हो, नन्हे मुन्ने बच्चे, तेरी मुट्ठी में क्या है 12, 1 बचा 3, फिर क्या करोगे 6 जा 12, 1 बचा 0 तो 0.5 जा 10, ये तो पता है ना आपको बेटा, तो क्या आंसर आया आपका, तो 66.5 आंसर आया, नहीं समझ में आया फिर से एक बार, ऊपर 133 हो गया बाई 2 हो गया, हाँ या ना बोल दे, हाँ या ना बोल दे, ठीक है 133 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 6 12, इसमें से एक 1 बचा, 3 नीचे उतारो वापस 13 हो गया, 2 6 12, एक बचा, अब 2 के टेबल में एक तो आएगा नहीं, तो आगे 0 रखूँगा तो ऊपर क्या आ जाएगा पॉइंट आ जाएगा, 2 5 10, तो 66.5 आया, ठीक है उसी हिसाब से सब करना है आपको, तो ऑब्वियसली टाइम लगेगा, इट नीड्स प्रैक्टिस, मैं आपको इजी वे बताऊं, एक अच्छा वाला इजी वे बताऊं, ऐसे सवाल यदि आपको पूछते हैं ना दोस्तों, तो आपको करना क्या है पता है, एग्जाम में छोड़ के आ जाना है सर सिंपल वे, खुश रहने का सिंपल तरीका, नहीं देख आराम से देखना, बहुत इजी वे में जाऊंगा, टेंशन नहीं लेना, ये है 65 से 68, आप ऐसे लिख सकते हो, बीचों बीच का पॉइंट चाहिए ना तुझे, तो बीचों बीच का पॉइंट चाहिए, 65 68 गया, 66 67 गया, तो बीच में कौन आया, भाई 66 भी नहीं और 67 भी नहीं, 66 भी नहीं और 67 बीचों बीच, तो कौन होगा 66.5, बोल हाँ या ना,
तो अब इसमें देखिए, इसमें कितने स्टेप आगे गया था मैं, दो स्टेप आगे गया था और फिर काम हो गया था मेरा। इसमें दो स्टेप आगे जाइए, 68, 69, 71, 72, 74, 75, 77 है, 77, 78, तीन रास्ते बताए आपको। पहला तो डिवाइड वाला, वो आपको मुंह आपका बिगड़ा है, देखा मैंने, छी 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 गंदू, ठीक है रहने दिया। तो दूसरा रास्ता आपको बताया, ऐसे देखो, एक गया, ये गया, ये गया, बीचों बीच कौन आया, 66.5। अब आप देखो इसमें बीचों बीच कब आ रहा है मालूम है, एक और दो छोड़ने के बाद आ रहा है। तो सब में ऐसा करो ना, दो छोड़ो तो 80 और 80 और 81 गया, तो 81.5, 83, 84, कितना इजी काम कर दिया यार, कितना इजी काम कर दिया, सही बोल दे यार, ईमानदारी से बोल, समझ में आ रहा है। चलो ए को कंसीडर करो, देखो सर बीचों बीच वाला कंसीडर करोगे तो आपको काम क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। चला जा, इस लाइन का एक्स आई कौन है, माइनस ए कौन है, 75.5, 66.5 में से 66 है ना कि 65, हाँ 66.5 में से 66.5 गया। चलो बोलो कितना बच रहा है, गया 0, 6, 15 में से 6 गया 9, 6 में से 6 गया, कितना आया 9 आया, लेकिन देखो 75 बड़ा है, माइनस 9, सिंपल है यार। 75 75.5 में से आप 66.5 नहीं माइनस कर पा रहे हो, मतलब आपके लिए शर्मजनक बात है। 75.5 भाई क्या हुआ, रुक जाए एक मिनट, मैंने पहले ही बोला दोस्तों थोड़ा टफ करूँगा सवाल को, थोड़ा टफ करूँगा, बच्चे नहीं हो आप अभी, सर मैं तो बच्चा हूँ, मेरे मम्मी बोल रहे थे कल मारो दिखो माले चकलो माले दिखो चिक चिकु, ऐसा कर रहे थे दोस्तों। पढ़ाई में बच्चा नहीं रहना है, पढ़ाई में बच्चा नहीं रहना है, वरना लोचा हो जाएगा, कोई तुम्हें कुचल कर आगे निकल जाएगा। लाइफ इज ए रेस, मैं तो लाइफ की कभी रेस में हुई नहीं रहे, सही में वो क्लासेस वाले रेस में लगते नहीं है, हाँ इससे आगे जाना है उसमें, वो किसी से आगे नहीं जाना है, तुम सब दौड़ो चलो जाओ, मेरे को मजे करने हैं, बच्चों को पढ़ाना है, और बच्चा लाइफ टाइम तक मुझे याद करे बहुत हो गया, ठीक है ना। क्या रेस यार, कुछ रेस नहीं है। लेकिन ये दोस्तों रिजल्ट आने के बाद कभी, बस एक बात का ध्यान रखना, रिजल्ट आप जब आपका आए, रिजल्ट आने के टाइम में आपको अफसोस नहीं होना चाहिए कि नहीं यार ये तो मेरी औकात वाला रिजल्ट नहीं है यार, उससे ज़्यादा तो मेरी औकात थी यार, ये अफसोस आपको नहीं रहना चाहिए। टेंथ का रिजल्ट आया था, बस उस लेवल से मेहनत करना, आपकी औकात आपको पता है, आपकी औकात आपसे ज़्यादा कोई नहीं जान पाता है, मैं भी नहीं जान पाऊँगा पूरे साल, ठीक है ना। तुझे पता है दोस्त मैं गुजरात टॉप कर सकूँगा, फाइनली ये डिसीजन ही है मेरा, तो क्या नहीं कर पाएगा दोस्त। और गुजरात टॉप जैसा यहाँ पे हर साल बहुत बच्चे 99 से ऊपर परसेंटाइल लेके निकलते हैं आराध्य में से, तो क्या उनको किसने पढ़ाया, हम नहीं तो पढ़ाया, समझना बात को। यदि वो बच्चे ला सकते हैं, वो बच्चे जितना हम यहाँ से बोल रहे उतना फॉलोअप करते हैं, कुछ बच्चे यूट्यूब पे हमारे वीडियोस देखते हैं दोस्तों, वीडियोस में सब कुछ कंटेंट में डालता हूँ, टफ वाले सम, लेवल वाले सम, फलाना सम, ढिंगाना सब डालते हैं दोस्तों हम, ठीक है ना। सो बेस्ट ट्राई कीजिए आपका हमेशा, आपको अफसोस नहीं रहना चाहिए रिजल्ट आने के बाद कि मैंने मेरा बेस्ट ट्राई नहीं किया, बस बाकी हमें किसी से आगे नहीं निकलना है, ठीक है। 66.5 माइनस 75.5, एक प्लस में एक माइनस में है, तो क्या होगा, माइनस हो गया, सम होगा या सब्ट्रैक्शन होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, तो 75.5 में से 66.5 जाएगा, 5 गया 0, 15 में यहाँ 5 था, 5 में से 6 तो जाएगा नहीं, तो एक कट 6, यहाँ पे 15 में से 6 गया 9, 6 में से 6 गया 0, कितना आया -9, क्यों माइनस आया, साइन ऑफ बिगर नंबर, बिगर नंबर कौन है 75.5, उसका साइन क्या है माइनस, तो आंसर में क्या आएगा -9। चलो ठीक है, अब कौन है यहाँ पे एक्स आई कौन है इस लाइन में, 69.5 माइनस 75.5, चलो भाई 75.5 69.5 0, 15 में से 9 हो गया माइनस 1, अब मुझे पता चल गया दोस्तों 9 के बाद 6 आया, तो यहाँ पे
तीन ही आना है यहाँ पे, ए जहाँ पे एज्यूम किया है वो तो जीरो ही है, लाइन वो तो जीरो ही है, क्यों वो जीरो है, जो एक्स आई है वही ए है। अब नीचे यहाँ पे क्या आएगा, थ्री, क्या आएगा, सिक्स, नाइन, चैलेंज मार के बोलता हूँ आंसर वही आएगा। बोल डन है, हाँ या ना बोल दे, मुस्कुराई अब आराध्य में, डन है, डन है, डन है, बोल। चलो बोलो एफ आई डी आई, कौन बोलेंगे, कौन बोलेंगे, कौन बोलेंगे, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, बोल भाई। टू नाइन जा माइनस एटीन, माइनस सिक्स इंटू फोर माइनस ट्वेंटी फोर, माइनस थ्री इंटू थ्री माइनस नाइन जीरो, थ्री सेवन जा ट्वेंटी वन, सिक्स फोर जा ट्वेंटी फोर, नाइन टू जा एटीन, नाइन टू जा एटीन, कितना एटीन सर, ढीचाक ढीचाक, क्या बात, काम हो गया मेरा सर, माइनस अठारह से प्लस अठारह चला गया, प्लस चौबीस से माइनस चौबीस चला गया, क्या था ये, ट्वेंटी वन माइनस नाइन बचा दो, ट्वेंटी वन माइनस नाइन, बोल भाई तेरा, थर्टीन ना, ट्वेल्व ना भाई, ट्वेंटी वन में से नाइन गया कितना, क्यों इतना क्या सोच रहा है, तो तेरे को मैंने मान लो 2023 माइनस कुछ 1722 ऐसा कुछ दिया हो माइनस करने, तो कल ही आए ना सीधा क्लास में, फिर 21 में से 9 गया रे, 12 बचा, रुक जा रे, हाँ चल ठीक है, फिर ए सिग्मा एफ आई, 2 4 6 9 17 24 30, क्या बात है, क्या बात है सर, बोलो क्या करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे, ए कितना 75.5, एफ आई डी ए कितना 12, सिग्मा एफ आई कितना 13, सेम फॉर्मूला जा रहा है दोस्तों, कहाँ दिक्कत कहाँ आ रही है यार, दिक्कत कहाँ आ रही है यार, ठीक है 75.5, ये कुछ उड़ा सकते हो आप, 6 टू जा एंड 6 फाइव जा, तो 2/5 आया, अब 2/5 को कैसे करेगा देखो, तो 5 के टेबल में 2 तो आएगा नहीं, तो क्या करोगे आप, 5 के टेबल में 2 तो आएगा नहीं, तो 0 रखूँगा, तो 0.4 जा आ गया, 0.4 आंसर आ गया, 75.5 + 0.4, बोलो भैया 75.5 0.4, 549, हाँ 75.9, दिस इज योर आंसर, बोल बेटा क्लियर है कि नहीं, तगड़ा वाला समय, तगड़ा वाला लेवल सेट हुआ कि नहीं हुआ, मिड पॉइंट में आपको लोचा था, मैंने आपको सॉल्व कर दिया, बाकी तो कैलकुलेशन आपको करना है, ठीक है ना। अब आप सोचिए, खाली आप सोचिए, यदि आप एज्यूम मिन के बिना यदि सिंपल मेथड से करते, तो ये रहा आपका एफ आई, ये रहा आपका एक्स आई, समझना, यदि आप डायरेक्ट मेथड से करते तो ये आपका एक्स आई था, ये आपका एफ आई था, आप इन दोनों को क्या करते, मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई, ओ बाप रे, इन दोनों को मल्टीप्लाई, ओ बाप रे, इतना बड़ा मल्टीप्लीकेशन करना होता आपको, आपका काम कितना ईजी होगा, सही बोल देना, मल्टीप्लीकेशन की माथा कूट रही है आपको, कितना छोटा छोटा मल्टीप्लीकेशन आया देखो तो, 9 2 जा, ओ इतना बड़ा मल्टीप्लीकेशन सर, 6 4 जा, समझ में आ रहा है, तो मल्टीप्लीकेशन को कम करने के लिए ये मेथड को डेवलप किया गया, इजी कर दिया गया, सो दिस इज कॉल्ड एज्यूम्ड मीन मेथड, ठीक है बेटा, क्लियर हो रही है बात, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, मिलते हैं, एक स्क्रीनशॉट ले लो, ओके दोस्तों, ये मैंने क्वेश्चन रखा है, ये आपको अपने आप से करना है, और कमेंट बॉक्स में जरूर से आंसर लिखिएगा इसका, क्या आंसर आता है दोस्तों, और आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं आराध्य क्लासेस के, और मैथ्स के स्पेशली वीडियोस कैसे लग रहे हैं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आपके कमेंट्स दोस्तों हमें पॉजिटिव एनर्जी देते हैं और बहुत मज़ा आता है, तो हमको और काम करने का उत्साह आता है, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बने रहिए आराध्य क्लासेस के साथ दोस्तों, आराध्य क्लासेस में ओनली 10th स्टैंडर्ड नहीं, 11th 12th साइंस JEE नीट एडवांस लेवल्स के भी लेक्चर्स यहाँ पे है आराध्य क्लासेस की चैनल पे दोस्तों, आराध्य का खुद का एप्लीकेशन है, उसमें भी
स्टैंडर्ड 9 to 12 के सारे वीडियोस डाले गए हैं दोस्तों, तो यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल आज ही कॉल करिए या व्हाट्सएप करिए, कॉल नाउ 9558902799। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।